आज हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में है वे चार प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा नंबर होता है बाइनरी, जिसमें केवल जीरो और वन केवल दो ही डिजिट्स होती हैं, और इसका जो बेस होता है बाइनरी का वह दो होता है। देखिए, बाइनरी का जो बेस मैं बता रहा हूँ आपको, यह जब हम नंबर कन्वर्जन करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि किस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होगा, क्योंकि इसी के ऊपर नंबर सिस्टम का कन्वर्जन डिपेंड करता है। बाइनरी से बड़ा ऑक्टल नंबर होता है, और ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वह 8 होता है। और यहाँ पर बेस से मतलब एक और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। जैसे यहाँ पर ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर के 7 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान और रखें कि टोटल डिजिट्स तो 8 है यहाँ पर, लेकिन नंबर चूंकि 0 से स्टार्ट हुई, इस वजह से उस नंबर के अंदर कभी भी 8 नहीं आएगा। इसी तरीके से बाइनरी और ऑक्टल के बाद में फिर आता है हमारा डेसिमल, और डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10, यानी कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होंगी, और वो होंगी 0 से लेके 9 तक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सभी डेसिमल वैल्यूज कहलाती हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे नंबर सिस्टम आता है वो आता है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16, और इसके नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। और चूंकि 10 के अंदर 0 और 1 रिपीट होंगे, इस वजह से 0 से लेकर के 9 तक तो हम कंटिन्यूटी में रखेंगे, और 10 की जगह हम रिप्लेस करेंगे ए को, 11 की जगह हम रिप्लेस करेंगे बी को, और 12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, 13 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 14 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और 15 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर्स टोटल 16 होते हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। अब आते हैं हम हमारे नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। देखिए, सपोज कीजिए हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। डेसिमल नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है 98, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे बेस 10 लगाएंगे। इस समय पता लगेगा कि यह नंबर जो है वो डेसिमल का है। इसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो यह क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर हमें बाइनरी को का जो कन्वर्जन होगा उसको हमने बेस 2 रख करके कर दिया है। अब देखिए, जब भी आपको किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो आप उसके बेस से तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि वह डिवाइड होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर 98 को ले रहा हूँ, तो आप ऐसे 98 यहाँ लिखें और दोनों तरफ एक ऐसे बॉर्डर खींच दीजिए आप, और फिर इसके अंदर आपको 2 का डिवाइड लगाना है, और डिवाइड लगाने के बाद में जो भी रिमाइंडर होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, और जितनी बार डिवीजन जाएगा वो आपको बीच में लिखना है। तो जैसे हमने 98 के अंदर डिवीजन लगाया, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, तो आप यहाँ 0 मार्क कर दें। उसके बाद में वापस से आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बेस हमारा बाइनरी का 2 होगा। यहाँ होगा 2 2 जा 4, और 2 4 का 8, और यहाँ पर हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, वो हम यहाँ राइट हैंड साइड में अलग बाहर निकाल देंगे। फिर हम 2 से वापस से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 शो हो रहा है। 2 6 जा 12, रिमाइंडर अगेन 0 है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर अगेन 0 है। 2 1 जा 2, और यहाँ पर देखिए 1 बस रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 2 के जो डिवाइड है वो 1 में नहीं जा सकता है, तो जब भी इस बेस से जब यहाँ पर जो वैल्यू है वो बिल्कुल इससे छोटी आती है, तो आपको इस 1 को यहाँ पर लिख देना है। और फिर आपको नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ आपको डिजिट्स को लिखना है जो रिमाइंडर हमें आए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बार तो 1 आ रहा है, और 3 बार 0 आ रहा है, 1 है और फिर 0 है, यानी कि इस 98 का जो बाइनरी है वो होगा 1 1 0 0 0 1 0।
देखिए यहाँ पर एक तो आप ये प्रैक्टिस बनाए कि किसी भी नंबर सिस्टम में आप 11 ना बोले, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये रिपीटेशन कभी भी नहीं होता है, इस वजह से आप सिंगल सिंगल डिजिट बोलेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको कि 9 और 8 डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो आप इसको 11 नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे 1100 01 एंड 0। अब हम इसके देखिए क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये जो बाइनरी नंबर हमने निकाला है, क्या ये हमने 98 का सही डेसिमल नंबर का निकाला है या नहीं निकाला है। तो हम इसका अपोजिट चलेंगे, और अपोजिट करने के लिए अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। यानी कि हमारा बाइनरी नंबर था 1 1 1 2 3 1 0, इसका हमें मालूम करना है डेसिमल वैल्यू। तो देखिए जब हमें किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो उस नंबर सिस्टम को थोड़ा दूरी दूरी पे इस तरीके से आप लिख लें लाइक दिस। फिर उसके ऊपर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट में चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में आप 1 मार्क करें, और जो भी आपका बेस है, जैसे बेस यहाँ पे अभी 2 है, तो जो भी डिजिट आपने लिखा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, और फिर जो भी डिजिट आ रही है उसको हमेशा इस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ऑक्टल में 8 से करेंगे और हेक्साडेसिमल में 16 से, लेकिन अभी ये हमने बाइनरी, और बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 होगा, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, और 32 2 जा 64, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये हम कर लेते हैं यहाँ पर, और ये 64 बन जा 64 होता है, और इन सभी डिजिट्स का हम एडिशन कर देंगे जो भी रिजल्ट हमारा आ रहा है। जैसे 32 बन जा 16 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा, और ये 0। अब अगर आप इनका देखिए सम करेंगे, तो यहाँ पे 64 और 32 को अगर मैं सम कराता हूँ, तो ये यहाँ पे 96 आ रहा है, और 96 प्लस 2 98 होगा। यानी कि हमने यहाँ पर 98 का बाइनरी जो है वो निकाला था, और इसी बाइनरी का हमने वापस से डेसिमल निकाल करके देख लिया है, जो कि दोनों ही तरफ से ट्रू एंड फ्रो मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरे नंबर कन्वर्जन होंगे। अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर करें। धन्यवाद।